1971 युद्ध में पाकिस्तान और भारत की शानदार विजय के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले विजय दिवस को लोहाघाट में पूर्व सैनिक व वीर नारियों ने काफी धूमधाम से मनाया तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद किया गया। पूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष कैप्टन आर.एस. देव के दिशा निर्देश में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। कैप्टन देव ने बताया 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान सेना के 93,000 जवानों को बंधक बनाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री आर.एन. लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश की स्थापना करी। कैप्टन देव ने बताया इस ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में युद्ध में भाग लिए हुए वीर सैनिकों व वीर नारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में NCC क्रेडिट व छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से भरपूर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। वहीं लोहाघाट के SO मनीष खत्री द्वारा विजय दिवस को देश की एक महान जीत का प्रतीक बताया। यह विजय दिवस 1971 की लड़ाई भारत पाक युद्ध जब हुआ था उस समय हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराकर 93,000 सैनिकों को बंदी बना दिया। इस खुशी में हम लोग पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से पूर्व सैनिक वीर नारी उनके आश्रितों को सम्मानित करते हैं और उसका समारोह बनाते हैं। उत्तराखंड किसान सैनिकों का सम्मान, एक बार सैनिक हमेशा सैनिक। प्राचीन काल से भारतवर्ष अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए अपनी अलग पहचान के साथ जाना जाता है। भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों द्वारा सन 1971 में पाक सेना पर ऐतिहासिक विजय हासिल करके एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण में अद्भुत सहयोग देने के एवज में भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों वीर नारियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष पूरे देश में